निमने को मिले, आमीन, क्योंकि वही इस योग्य है। हालेलुया। पीछे आवाज साफ आ रही क्या सबको? अगर नहीं तो मैं चाहूंगा साउंड थोड़ा कम कर लिया जाए ताकि आप सही से सुन सके, आमीन। सो आप सबको जय मसीह की। और बरेली की तरफ से, बरेली कलेशिया की तरफ से आपको जय मसीह की। मेरे पत्नी बच्चों की तरफ से आपको जय मसीह की। मेरे भाई लोग भी आए हुए हैं, उनकी तरफ से भी आपको जय मसीह की। आमीन। हम धन्यवाद देना चाहते हैं भाई सोलोमन एंड टीम को जिन्होंने इस मीटिंग का आयोजन किया है। सो प्रभु आपको बताए से आशीष दे भाई सोलोमन। और भाई अभी भाई राजा परिवार और जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं, खुदा आपको बहुत आयत से आशीष बरकत दे, आमीन। क्योंकि हमारे लिए और उत्सव बनाए नहीं गए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए कोई उत्सव नहीं है क्योंकि हम हर दिन जय के उत्सव में होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारे लिए हर दिन खुदा की महिमा का दिन है, क्योंकि हमारे लिए हर पल खुदा की महिमा का दिन है, क्योंकि हम और किसी चीज पे आनंद नहीं मना सकते हैं। हमारे पास और कुछ नहीं है आनंद का विषय, आमीन। सो आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का बिया आ पहुंचा उसकी पत्नी ने। अब भाई उसी की पत्नी करेगी, उसकी पत्नी ने, मैं बाकियों की पत्नियों की बात नहीं कर रहा, उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। अगर कहीं मेमना है तो कहीं मादा मेमना भी होनी चाहिए, क्योंकि मेमने की शादी भेड़ियों से नहीं होती। अगर कहीं नर मेमना है तो मादा मेमना होनी चाहिए, आमीन। मुझे लगता है कि मैं उसी झुंड से बात कर रहा हूं, आमीन। खुदा की तारीफ हो। आइए वचन को खोलेंगे। हम धन्यवाद देंगे समय के लिए कि खुदा ने ये मौका दिया क्योंकि उसके पवित्र का पाक कलाम से बातचीत की जाए। आप मेरे साथ निकालें यशाया की पुस्तक, उसका 60 अध्याय, उसके पहले पद से। यशाया की पुस्तक उसका 60 अध्याय उसके पहले पद से हमने निकाल लिया, तो मुझे आमीन कहकर उत्तर दे दें। उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा, और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोग्य के प्रताप की ओर आएंगे, आमीन। वैसे ही 63, यशाया 63 उसका चौथा पद, यशाया 63 उसका चौथा पद। क्योंकि पलटा लेने का दिन मेरे मन में था और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा। वैसे ही इफिसियो 4:11 पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखा गया खत है ये, इफिसियो 4:11 हमने निकाल लिया। ईमान। और इसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे टील डॉल तक ना बढ़ जाएं। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने वाले भाग पर आशीष हो। मैं चाहूंगा पढ़े गए भाग पर भाई सुलेमान आकर प्रार्थना करें तो अच्छा होगा, और हम उसके साथ अगुवाई में जाएंगे और उसके बाद हम संदेश में चलेंगे। सब आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। महान प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस अच्छे समय के लिए प्रभु जी जो हमें आपने दिया प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो आपका वचन पढ़ा गया है प्रभु जी, इस वचन को पढ़े सुने जान पे आशीष देना प्रभु जी। और जितने लोगों को प्रभु जी मन में कुछ क्वेश्चन और सवाल है प्रभु, सब हल हो जाएं प्रभु जी, और सबके साथ प्रभु यीशु मसीह आज पवित्र आत्मा व्यवहार करे प्रभु जी। आज का संदेश सबके जीवन में एक उत्तम हिस्सा बन जाए प्रभु जी। महाप्रभु जी होने दे प्रभु जी, हम सब की समझ को खोल दे प्रभु जी, और होने दे प्रभु जी हम सब तेरे वचन को समझ सकें और तेरे राज्य के लिए तैयार हो सकें। समय के लिए और प्रभु इस घड़ी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आने वाले समय को तेरे हाथ में देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।
गॉड ब्लेस यू मेरे भाई, आप बैठ सकते हैं, आप सब भी बैठ सकते हैं। हालेलुया, प्रभु की तारीफ हो, आमीन। और आज का संदेश है, उठ प्रकाश मानो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, उठ प्रकाश मानो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, आमीन। और प्रेरणा रहेगी सेवा के लिए सिद्ध सामर्थ, आमीन। सेवा के लिए सिद्ध सामर्थ, क्या आज आप तैयार हैं? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ओ बहुत हो गया प्रचार करना, आइए बातचीत करें, आमीन। ओ आप किसको कौन प्रचार करे, आप तो पहले से सब चीज जानते हैं। आपको एक बात मैं बता देता हूं, आपने एमआर देखे हैं? मैं हमेशा बताया करता हूं, एमआर जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये डॉक्टर्स के पास में अपनी मेडिसिन लेके आते हैं और डॉक्टर्स को आगे बताते हैं, सर अब वहां आके उसे डॉक्टरी नहीं पढ़ाते हैं वो, सर मैं आपसे ज्यादा जानता हूं, आइए मैं आपके साथ वो दवा लाया हूं जो आपको बाप दादा को नहीं पता होगी, आइए मैं आपको समझाऊं, मैं आपको कुछ मेडिकल पढ़ाऊं। वो डॉक्टर है यार, वो तुझे तू क्या पढ़ाएगा उसको, है? रिप्रेजेंटेटिव इसलिए होता है कि सर ये मार्केट में दवा है, अभी हमारी कंपनी ने लॉन्च की है, सर प्लीज इसे आगे बढ़ाएं, ये खांसी में ये काम करती है, सॉल्ट वही है, दवा के सॉल्ट वही होते हैं, सिर्फ कंपनियां चेंज होती हैं। आप जानते होंगे मेडिकल में जितने भी हैं, इब्रोफिन, सिप्लॉक्स, सॉल्ट वही है, बस दवा की कंपनियां चेंज होती हैं। कोई भी नई कंपनी आई, आकर के रिप्रेजेंटेटिव को भेजती है, एमआर को भेजती है, आके डॉक्टर को बताता है, सर इस दवा को आप आगे बढ़ा दें और ये दवा ये है, ये है, और इसमें डॉक्टर का भी कमीशन होता है वगैरह वगैरह, हैं? वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप जान लें, मैं डॉक्टर से बात करने आया हूं, मैं एमआर हूं, मैं आपको डॉक्टरी पढ़ाने नहीं आया हूं। अरे ऑलरेडी आप मैसेज जानते हैं, मैं क्या आपको मैसेज पढ़ाऊंगा, आमीन। मैं तो आपको ये बताने आया हूं सर, ये मार्केट में आया है, आमीन। सर थोड़ा आगे बढ़ाएं, सर ये सॉल्ट वही है, हैं? वचन वही है, कुछ नया नहीं है, वही सॉल्ट है, आमीन। एक ही कलेसिया, एक ही बपतिस्मा, एक ही प्रभु है, कुछ नया नहीं है, वही सामर्थ है, वही ताकत है, वही खुदावन है, आमीन। कुछ नया नहीं है, दिस इज द सेड द लॉर्ड, ये यहोवा यूं फरमाता है, कुछ नया नहीं है डॉक्टर साहब, ये वही पुराना सॉल्ट है, मार्केट में पहुंचाइए, आमीन। और जब एमआर अच्छी तरीके से रिप्रेजेंटेशन देगा तो मार्केट में माला जाएगा। और एमआर लुच्चा है, सकल से ही बेकार है, तो कुछ नहीं हो पाएगा, यीशु मसीह की मार्केटिंग हो नहीं पा रही है। आप देखें चर्चेज में, क्यों? एमआरओ को ज्यादा कमीशन चाहिए, कमीशन नहीं मिलेगी तो पूरी कंपनी बेच के खा रहे हैं, है ना, समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए माल ज्यादा मार्केट में जा नहीं पा रहा है। लेकिन एक बात बताऊं, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है अगर आप सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए, आमेन, तो ये दुनिया में तहलका मचा देगा, कोई भी इसके सामने रुक नहीं पाएगा, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल मेडिसिन है, आगे बढ़ाएं। सोच प्रकाश मानो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, अब मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ गया है, आमेन, हालेलुया। कुछ नया नहीं है, बाइबल की शुरुआत ही यहां से हुई थी मेरे भाई बहनों, आमेन। बाइबल की शुरुआत ही प्रकाश से हुई थी, याद होगा आपको, इससे पहले परमेश्वर वचन को सामने लाता, इससे पहले कोई घास आती, इससे पहले कोई सूरज आता या कुछ भी आता, खुदा ने कहा उजियाला हो, आमेन, क्योंकि बिना उजियाले के कुछ नहीं होगा, आमेन। तो जब परमेश्वर को उजियाले की जरूरत पड़ी थी, दूसरे शब्दों में प्रकाश की जरूरत पड़ी थी, तो आपको नहीं पड़ेगी, कुछ भी जानने के लिए प्रकाश की जरूरत है, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखिए, जब नया नियम आया तो हव्वा के पास प्रकाश आया, आमेन। जब नया नियम खुला तो चरवाहों के पास प्रकाश आया, आमेन। और अब जो लोदी का कलेसिया कालाई, तू अंधा नंगा तुच और कंगाल है, आमेन, तो एक सांझ के समय फिर प्रकाश आया, आमेन। बिना प्रकाश के वचन नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी बीज को पनपने के लिए तीन चीजें चाहिए, हवा, पानी, प्रकाश, नहीं तो कुछ नहीं होगा, आमेन। किसी बीज को ताकतवर होने के लिए तीन चीजें चाहिए,
हवा, पानी और प्रकाश। आमीन। तो दुल्हन के साथ भी तो ऐसे ही होगा, पुराना नियम नए नियम की छाया है, आपको हर चीज देखनी होगी। पौलुस ने कहा उनमें ने बहुतेरों ने उसका सामना किया, खुदा की महिमा से महरूम हुए, खुदा का मजाक उड़ाया, रास्ते में मर गए। यीशु मसीह ने तो यहां तक कह दिया, मन्ना खाया था उन्होंने मन्ना? हाँ हाँ, मूसा के समय मन्ना खाया, यीशु मसीह को दिखा रहे थे फकी फरीसी। अच्छा आप जानते हैं फरीसी का मतलब होता है अभिनेता, एक्टिंग बड़ी अच्छी करते थे धार्मिकता की। हाँ बहुत बढ़िया, टाई वाई लगा के आई एम फरीसी सदूकी, है ना, बहुत बढ़िया आते थे। अब मैं अपने लिए नहीं कह रहा यार, टाई लगा के आ गए तो खुद के लिए कह रहे हैं, मैं उन अभिनेताओं की कह रहा हूं, मैं अभिनेता थोड़ी हूं, मैं तो प्रचारक हूं, तभी तो बुलाया आपने, इसीलिए मैं यहां हूं। है यीशु मसीह बता रहे हैं हमारे बाप ने, तू अपनी लेकर आ रहा है कहानी, हमारे बाप ने जंगल में मन्ना खाया। यीशु मसीह कह रहा है उन्होंने जंगल में मन्ना खाया और ये नहीं कहा मर गए, बोले ढेर हो गए, मर नहीं गए, हमारे ढेर हो गए ढेर। आमीन। ये कहा यीशु मसीह ने, और पौलुस ने यही समझाया कि जो उनमें हुआ वह दृष्टांत की रीति पे था, वो तुम में ना हो। तो इसराइली पुराने नियम के यीशु मसीह के युग के लिए दृष्टांत थे, और यीशु मसीह का युग और पौलुस का समय हमारे युग के लिए दृष्टांत है, इस समय के लिए दृष्टांत है। तो जो गलती उन्होंने की आप मत करना, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे। परमेश्वर ने आपको साफ साफ बता दिया है, आपके प्रकाशन के बारे में बताया, आपके लिए हर एक चीज बिल्कुल साफ साफ है। अब आप अंधे नहीं है, आप प्रकाशन में, और फिर भी वही गलती करेंगे निश्चित तौर से आप ठोकर खा जाएंगे। आमीन। याद रखिए बाइबिल की शुरुआती रोशनी से हो गई, आमीन, प्रकाश आ गया, आमीन, नया नियम। इससे पहले वचन आता, मरियम के पास प्रकाश आया, वचन यीशु मसीह आता, समझे? क्योंकि आप जान ले मैं उदाहरणों में प्रचार करता हूं, अच्छी तरह आप जानते हैं, काफी चीजों को उदाहरणों में लेकर आता हूं, और उन उदाहरणों को बातों के बीच में से आप निकालें। मैंने पहले भी आपको कहा है हमेशा, क्योंकि आप एनए जाती हैं, ठीक है, तो आपका एक स्टेज या एक अलग जगह है बाइबल में, आपका एक मुकाम है। इसराइलियों के लिए भूमि का जो व्यवस्था आई, अब्राहम को खुदा ने बुलाया, अब्राहम वैसी बाकियों में से एक था जैसे बाकी के थे, जैसे कि सारे तू मूर्ति पूजक थे वैसे अब्राहम था, बस खुदा का अनुग्रह हो गया, इस वाले पे करूंगा, इस वाले पे तू आ जा, ऐसे बुलाया खुदा ने उसे, जैसे आप आलू लेने जाते हो ना, एक ही वाला दे, ये हटाओ यार कटा हुआ है, ये हटाओ वो वाला दो, तो आप ऐसे उठाते हो चुन चुन के। तो खुदा ने अब्राहम को सारी दुनिया में से देखा और चुनकर बुलाया, आ जाओ आओ, मैं तुमसे, क्योंकि मैं खुदा हूं, मैं चंगाई देने वाला हूं, छुटकारा देने वाला हूं, ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, बाकियों के पल्ले पड़ेगी नहीं, इसलिए तुम सुन लो, क्योंकि तुम 75 साल के हो गए हो, अब बेटा दूंगा तुम्हें, उस बेटे से राजा आएंगे, उसके बाद मुझे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कहने वाले आ जाएंगे। तो ये एक चिन्ह है कि जो तुम्हारे यहां पैदा होगा 8 दिन के अंदर उसका खतना कराना, उसे मैं व्यवस्था दूंगा, अगर उससे गलती से पाप हो जाए तो ये रहा मामला, ये करना ये करना ये नहीं करना, ये करना ये बनाना ये नहीं करना, ये चल रहा है व्यवस्था, क्या करना है क्या नहीं करना है ये मैं अब्राहम को दे देता हूं। तो सुन, खतने वाले तेरे घर में होंगे, ये किसी को बताना मत, है बाकी कितना खतना करा रहा है मुझे मतलब नहीं, मुझे तो तेरे खानदान से है, हमारी माता रेबका भी एक से अर्थात इसाक से, इसाक में मारा थोड़ा, इसाक ही से गर्भवती थी तब खुदा ने कहा। तो प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते, याद रखना। पौलुस ने कहा क्या अब्राहम के 2 पुत्र नहीं हुए? लेकिन यहोवा क्या कह रहा है सुने, यहोवा नीचे आया, तूने जो मुझसे इतना प्रेम किया अपने एकलौते पुत्र को नहीं छोड़ा, अरे एकलौता, इससे पहले तो इस्माइल पैदा हो गया, उसका क्या? खुदा कह रहा है एकलौता, तो खुदा अपनी प्रतिज्ञा के पुत्र को पहचानता है, आपने कितने पैदा कर लिए वो नहीं पहचानता। आमीन। खुदा के लिए तो वो एकलौता ही होगा, अब्राहम तो लाइन लगा ले, ये अब्राहम की टेंशन। आमीन। खुदा तो उसे बात करता है जिसकी उनने प्रतिज्ञा करी है। आमीन। सो उठ प्रकाश मानो, ये सबके लिए नहीं है। बोले सुन, तूने जो एकलौते पुत्र से बात कर रहा है खुदा, सोच लीजिए, है ना, तो खतने वाले सब मेरे वाले, आई लव खतने वाले,
और बिना खतने वाले उधर वाले, आई हेट बिना खतने वाले। तो चाहे तुम मगरमुच्छों को पूजो, हैं, खोपड़ी पे निपुनी चोड़ो, कंडे पे सिंदूर डालो, ये तुम्हारी मर्जी। तुम नहीं करोगे ये खतने वाले, तुम नहीं करोगे बिल्कुल। आमेन। अब तुमसे एक दिन मसीह आएगा, मैं एक ब्लड को बिल्कुल रेयर रखूंगा, शुद्ध ब्लड रखूंगा। तुम्हारे वंश से आगे जाके मसीह आएगा, वचन प्रकट होगा, मैं आऊंगा और मैंने जो कुछ तुमसे प्रतिज्ञा की और आदम ने जो कुछ खो दिया है उसी मसीहा से छुड़ा लूंगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन चिंता मत करना, प्रभु तू मुझसे बात कर रहा है, क्या मेरे लोगों से भी करेगा? हाँ हाँ, मैं उनके बीच में नबी भेजूंगा। सच में बात करेगा तू? बिल्कुल करूंगा। जब वो गलत करेंगे मैं नबी भेजूंगा और वो आके बताएगा ये करना, और वही वाली किताब उठा लेगा, ये करना ये नहीं करना, वो आके बताएगा, उसकी सुनना। और प्रभु जो बाकी के आ जाएंगे रेडियो पे, पंजाब की तो आदत है ना, दो फाड़ो डालो दो नबी बाहर, जिसने टाई चढ़ाई वो अपोस्टल, जिसने बाइबल ले ली हालेलुया वो प्रेरित। खुदा ऐसे नहीं करता है, इससे पहले कि कुछ होता खुदा चुन चुका होता है। ये जो सेबकाई आप ऊपर देख रहे हैं ये प्रतिज्ञा की सेबकाई है, मैं इन्हें पहचानूंगा। और बाकी आप कितने बना लोगे, ये भी नबी वो भी नबी वो आपकी हेडक है। खुदा तो इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो उन्होंने बाइबल में कहा है, उसे आपने कैसे समझ लिया ये आपकी मर्जी, इसके लिए खुदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बहुत ही ज्यादा केयरफुल इसको पूरा करने में, इसलिए मैं अब तीसरा चौथा गियर नहीं डालूंगा, आराम से चलूंगा, साउंड बहुत तेज है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। तो जान लीजिए जब प्रकाश आ रहा है तो याद रखिएगा वे अपने साथ हवा, प्रकाश और जीवन को लेकर आ रहा है, आमेन। समझ रहे हैं आप? अब आप लीजिए, हम थोड़ा सा उदाहरणों को लें, आमेन। सेबकाई तो यही है, हर चीज में अगर आप यीशु मसीह नहीं देख रहे हैं तो आप बाइबल पढ़ना छोड़िए। आपको एक आयत में बाइबल में यीशु मसीह को देखना चाहिए, है? हर एक नमूना, हमारा नबी आया, हर एक नमूना उसने जोड़ दिया यीशु मसीह से। सिमसोन कौन? ये दाऊद कौन? यीशु मसीह। यूसुफ कौन? यीशु मसीह। मूसा कौन? यीशु मसीह। देखा आपने, उदाहरणों में रख दिया। आइए दाऊद को लेते हैं, आमेन। WCC ने तैयारी कर ली, WCC, हाँ गोलियत WCC था, बाकी सारे सब उसके साथ पीछे खड़े थे। हाँ, एक झुंडों ने एक नेता चुना, आमेन। फिलिस्तियों के ने, ये सारे फिलिस्ती एक ही मन हो गए, हैं? कैथलिक से लेकर बैप्टिस्ट तक सारे फिलिस्ती एक साथ, सारी दुष्टात्माओं ने एक नेता चुना, ये हमारी तरफ से बातें करेगा। उन्होंने क्या देखा? सेमिनरी कहां से करी है? जबलपुर से, हाँ यही वाला है। 10 साल अलग से, हाँ यही वाला है। उन्होंने उसकी डिग्री देखी, ये करा और ढाला और तलवार लेकर आगे कर दिया, बोले आओ भिड़ो इससे, हमारा वाला ये है, हैं? और हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारे पादरी साहब साउल, उनके टकने ढूंढे हो रहे हैं बात करते हुए। मसीहा का प्रतिनिधित्व करने वाला इज़राइल पीछे खड़ा है, हैं? समझ रहे हैं? पीछे खड़ा है। खुदा की कौम थरथरा रही है। और अभी क्या चल रहा है? ये मीटिंग बंद करो, क्या हो रहा है? गोलियत आगे आ गया, पुराने नियम में हो चुका ये। लेकिन खुदा ने कहा था जब जब ऐसा होते देखो आपस में मिलने से बाज मत आना, आमेन। क्योंकि देखिए ये तो होगा, और एक बात साफ सुन लीजिए, सरकार तो यीशु मसीह की आ रही है, तय है, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई आ जाए, अब निडर होके लगे रहो भाई। 45 साल के तो हम हो गए, 45 मतलब 4-5 होता है, ये हमारी सेबकाई है, है ना? 45 4-5 होता है ये, अब हमारी असली सेबकाई शुरू। अलो भाई गंगा, वो भी 45 के ही हो गए। मेरे साथी मामला है उनका, और जब हम 45 के हो गए तो बच्चे कितने, ये परमेश्वर ने कहा था भाई 70 साल, तो बच्चे कितने हमारे पास? 70 भी कहां मिल रहे हैं आजकल, 60 बच्चे, 15। तो 15 में काय को डरे, दिलेर होकर लड़ाई करो, बाकी खुदा संभाल लेगा। अगर शेरों के मुंह को बंद कर सकता था, चलती हुई आग में आ सकता था, तो कौन तुम्हारे सामने टिकेगा? उठ और प्रकाश मानो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, क्योंकि तेरे ऊपर यहोवा का तेज उदय हुआ है, मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ गया, मत डर।
डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे वहां तो ये हो रहा है, अरे वहां तो वो हो रहा है, अरे होने तो ये तो हो गई। अरे गुलियत कुछ कर पाया? चिल्लाता था बस, ये मेरी तलवार, ये मेरी ढाल, ये मेरे बाजू, ये मेरा साजू। ये बाजू तब तक है जब तक दाऊद नहीं आ रहा है, जब तक दाऊद नहीं आ रहा है। देखिए एक दिन आ जाएगा, फिर देखिए है 40 दिन, 39 दिन बीत गए है टेंटे करते हुए, 39 दिन हो गए। आते थे और वहां फिर से काउंसिल बैठती थी, अब क्या एजेंडा लाए, अब ये होगा, अब वो होगा। देखिए यही सब चल रहा है, समझ रहे हैं? चर्चेज एक झुंड में हो गए। आपको बता दूं, CNI चर्च ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा, समझ रहे हैं आप? केवल तीन चर्च अथोराइट किए जाएं, कैथोलिक, CNI, मैथोडिस्ट और एक और है सालविशन आर्मी। इन चर्चों को अथोराइट किया जाए, बाकी चर्चे नष्ट कर दिए जाएं। ये गोलियत को लेटर लिखा गया है। अब गोलियत सीन पे आने वाले हैं, ठीक है ना? अब चिंता मत करिए ना, खुदा ने आपसे प्रतिज्ञा की है, जीवन के अंत तक आपके साथ है। या तो वो खुदा है या वो कुछ नहीं है, या तो वो आपका साथ दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। या कंफ्यूजन में मत आना, अगर आप मसीह हैं तो शैतान को चैलेंज मत, बता रहा हूं तभी चैलेंज करना जब आपको 100% पता वो आपकी बैक में है। खामाखा उससे उलझने मत पहुंचाना, चिथड़ उड़ा देगा शैतान, बता रहा हूं मैं आपके। अगर सचमुच में आपका विवेक आपको दे रहा है गवाही कि बेटे तुम हो लायक, तो आगे आना, समझ रहे? पहली बात तो यह है, जब शैतान आपको पकड़ ही नहीं सकता, जब वो जान लाएगा आप में, शैतान को अच्छी तरह पता है किसकी आज्ञा का पालन करना और किसकी नहीं। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। बरेली के अंदर में भाई मार्टिन बैठे, जाने कैसी कैसी आती हैं दुष्ट आत्माएं, बड़ी हंसेंगी मेरा मजाक उड़ाती हैं। मां बैठ के, तू निकालेगा मैं? अच्छा ये, और मैं कुछ नहीं बोलता हूं, ना निकालता हूं ना पिकालता हूं, मैं मैसेज प्रचार करता हूं थोड़ी देर में, ठीक? बोलना ही नहीं पड़ता, क्योंकि शैतान को पता है आज्ञा पालन कब करना है, और वो करेगा, करना ही होगा। उसने कहा था सत्यनिष्ठ बने रहो, कैंसर तक तुम्हारी प्रार्थनाओं के आगे ठहरेगा नहीं। बरेली में 8वां कैंसर का मरीज परसों चंगा हो गया, टिकेगा ही नहीं। क्यों? उसे पता है कब किसकी आज्ञा का पालन करना है। आप हैं वो, मैं डॉक्टर से बात कर रहा हूं यार, और ये आपके मतलब का काम है। भाई डॉक्टर किस लिए होता है? कैंसर के लिए है, जैसे 108 में मती 108 में बीमारों को चंगा करो वगैरह वगैरह, मरकुस 16:16, 16:7 होता है, सीधी सी बात है। आमेन। 7वें अध्याय में, या मैं ये कहूं 7वीं कलीसिया काल में क्या होगा? वे बीमारों पे हाथ रखेंगे, हाथ रखेंगे ना कि दुआ करेंगे। वचन पढ़िए दो बार में, यीशु मसीह किया क्या है जाने से पहले, बीमारों पर हाथ रखेंगे, नासक वस्तु पी जाएं, ये सब जो भी है कुछ हानि नहीं होगी। लेकिन जब याकूब भाई आए तो उन्होंने दूसरा पैनल रखा, उन्हें कहा यार ये यीशु मसीह की ना मानेंगे तो एक बात, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जिन्हें, हाँ ये हारमोनियम है, अब ये जब तक वो छू ना ले उसे यकीन ही नहीं आएगा ये हारमोनियम है। हाँ ये हारमोनियम भाई देना जरा, हाँ ये मैक है। कुछ ऐसे आप अच्छे खासे सो रहे हैं, जगाया भाई सो रहे थे क्या, है ना? जब तक वो टटोल के ना देख ले मानते नहीं। इसलिए याकूब ने कहा कलीसिया के प्राचीनों को बुलाया जाए, अब मरीज को लगेगा। हाँ समान वो वहां चले जाइए, एलिशा के समय में वो कोड़ी क्या था ना नाम उसका है, नामान कोड़ी, वो आता सर पे हाथ रखता, थोड़ा हिलाता, थोड़ी हालेलुया, ओहो निकल जा तब मैं ठीक होता। नवीना अंदर से कह दिया यार, अरे उससे कहते वो नदी बह रही है उसमें 7 बार डुबकी लगा ले, नाराज हो गए नाराज। अरे हम तो इतना वो लेके आए थे हैं, तो चेक भी लेके आए थे ब्लैंक, उस पे साइन करने थे, बस जितना चाहता मैं दे देता भाई, मैं तो भाई बहुत प्रतिष्ठित आदमी हूँ, लेकिन बड़ी घुन बेकार वाली बीमारी लगी हुई है, यहां तक मुझे पहनना पड़ता है सब कुछ, ताकि लोग ऊपर से तो मुझसे डरते हैं, सेनापति आ गए, जनरल साहब आ गए, और मन में हंसते कोड़ी तो हंसते होंगे, मेरी बेइज्जती होती है, हाँ नहीं तो। लेकिन मुझे एक संदेश मिल गया, उस लड़की ने बता दिया जो गुलाम थी है, सब लाओ लश्कर आया, वो बाहर आएगा, एक बड़ी कन्वेंशन होगी, उसके बाद मुझे बुलाया जाएगा, भाई आप ऊपर आ जाइए, उसके बाद सारे झुंड मुझ पे टूट पड़ेगा, निकाल बाहर ना, फिर मैं चंगा होऊंगा, उसके बाद मैं बड़ा सा गिफ्ट दूंगा। ये नहीं हुआ, प्रचारक को कोई मतलब नहीं था, गैजी से कहा बोल दे, 7 बार डुबकी लगाए, वचन आ चुका,
ग्रहण नहीं किया। कुछ ऐसे लोग हैं, और नाराज होकर जाने लगा, बोले मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई, तो भारी ना निकला है, जाने लगा तो उसके उससे ज्यादा अच्छा तो उसका सेवक था। बोले सुन एक मिनट, वो प्रचारक कोई लंबी लोजी तुझे लिस्ट देता तो तुझे निकलनी पड़ती, अमेरिका जा, वहां जाकर 3 बार पेड़ पे से गिर, तब ठीक होगा। वो ये कह देता तू नहीं करता चंगा होने के लिए, बिल्कुल करता है। तुमसे खुदा कह देता ए सबको बीएड करना जरूरी है तो स्वर्ग आओगे, तो ना करते। रैप्चर में केवल वो जाएगा जो 6 फीट का है, 3 फीट वाले तो मट्टी पलीत। अगर वो कंडीशन रख देता तो आपका क्या हाल होता? कोई कंडीशन रखी? विश्वास करो बत्तीसवां लो आओ, कंडीशन रखी नहीं। तो लोगों को ये नहीं चाहिए, उन्हें तो कंडीशन चाहिए। यही इसराइल को चाहिए था, हमें तो कंडीशन दे है? मजाक बना के रखा था वचन का है? भाई गुना हो गया, गुना गुना हो गया, बकरा कहाँ है? मजाक बना दी थी, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। भाई अब की बड़ा गुना हो गया, बड़ा गुना हो गया, ऊंट कहाँ है? बड़े गुने के लिए ऊंट, छोटे गुना के लिए मेमना, ये चल रहा था वहां। गुना हो जाए ये रेयर था, अगर गलती से हो जाए तो ये पोजीशन है। और वहां तो ढकोसला बना लिया था, गुना करो बकरे काटो, ये खुदा उगता गया। अबे क्या मैं बकरे और मेमनों के लहू से कुछ होता हूं? या अपनी आज्ञा माने जाने से? कब कहा था खुदा ने तुम में से फूटो? उन्हें कहा था एक साथ रहो, प्रेम करो, आमीन। आप खुदा को जवाब देंगे बता रहा हूं मैं, इसलिए एक साथ हो जाओ। अगर कोई है इससे पहले बेदी पे आप आए, याद आ जाए आपको, मैसेज बाद में होगा, पहले आई एम सॉरी ब्रदर, क्षमा विश्वास पर आधारित है, आमीन। और उसके बाद क्या हुआ? नबी की तो मानी नहीं, अपने सेवक की मान ली, अच्छा चलो कर ही लेते हैं, कहां है वो नदी? बोले ये इसमें तो भैंसे ना रही है, कुछ ने तो गोबर कर रखा उसके अंदर में, ये कीचड़ वाली यर्दन, मैं इसमें नहाऊंगा। पर्पल और रवाना नदियों के बारे में क्या है, हैं? मैं तो इसके प्रचारक के बारे में क्या है ना, सीएनआई वाला जो विदेश से आ रहा उसके बारे में क्या है, वो जो नबी 50,000 की भीड़ और फिल्मी सितारों के को बुला करके कह रहा है हालेलुया, इसके बारे में क्या है? अच्छे अच्छे सूट वाले प्रचारों के बारे में क्या है? ये बरेली का अनपढ़ वालों, उनके बारे में क्या है? ये तो खुदा है कीचड़ वाली में उतर के। पर्पल और रवाना सपाचट नदियां नहीं चाहिए, कीचड़ वाली में आ। और जब कीचड़ वाली में आया, पहली डुबकी मारी, सुनो ये कान के पीछे था एक चकत्ता गया, नहीं वही है वही है, दूसरी डुबकी, तीसरी, 5 लग गई शायद, गया हो बगल के अंदर, ये यहां पर एक बहुत बड़ा था, ना 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 सर नहीं गया, नहीं गया, ये तो कह रहा था है? पहला गर्जन, दूसरा गर्जन, तीसरा गर्जन, कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। फिर छठी लगाई, अरे 10% तो हुआ होगा है? नाक के पीछे इतना बड़ा था वो भी नहीं हुआ, पीठ पे वैसी का वैसे ही है। खुदा की प्रतिज्ञा क्या थी? 7 का मतलब 7, ना तो 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर, 7 का मतलब 7। और जैसे ही 7वीं वाली लगाई और बाहर आए, आहा, भूरे भुक, कतई अंग्रेज इंग्लैंड से चले आ रहे हैं अभी फ्लाइट से उतर के, बाइबल बताती है बच्चे जैसा कोमल जिस्म हो गया, आमीन। 7 गर्जन की आवाजें जब इन आवाजों को ले लेंगे तो क्या होगा, आमीन। तब WCC ने नलकारना शुरू किया, आमीन। और एक आदमी आया, कौन है जो खतना रहित फिलिस्ती? दाऊद मतलब यीशु मसीह। कौन आया ये? दाऊद मतलब, आमीन। अपना सामान चरवाहों को दे आया, ऐसे ही है ना, अपना सामान चरवाहे कौन होते हैं? पास्टर को दे आया, तो यीशु मसीह सामान क्या ला सकता है? आप सोचें, आमीन, समझ रहे ना मैसेज को पकड़े? अपना सामान चरवाहे को छोड़ करके सीधा राजा से मिला, आमीन। कौन है वो जो ललकार रहा है खतना रहित फिलिस्ती है? कौन है वो जो खुदा की सेना को ललकारे? आखिरकार राजा ने कहा, उसके में 3 प्राइज भी रखे हैं, एक धनवान राजा बहुत धन देगा, दूसरा कुंवारी भी आई जाएगी,
तीसरा इसराइल में उसका घराना स्वतंत्र हो जाएगा, मतलब छुटकारा, बिहाया जाना और धन। आमेन। और बाइबिल कहती है तू अपने आप को धनवान कहता है, इस युग के कलेजा, ये वाला धन नहीं, दाऊद अपने आप में धनवान था, ये धन नहीं। यीशु मसीह ने कहा जा तेरा धन है भाई तेरा मन भी रहेगा। आमेन। और पौलुस भैया ने कहा गरीब जैसे दिखाई देते हैं लेकिन बहुतों को, इस धन के बारे में बात हो रही है। आमेन। धन, दिया जाना, छुटकारा, ये तीन चीजें रखी हुई हैं। आमेन। उसके लिए जो गोलियत WCC का मुकाबला करेगा। आमेन। हर कर्नल तुम बात का मुकाबला करेगा, वो क्या कह रहा है इससे मतलब नहीं है, खुदा ने क्या कहा है ये मतलब है। और वो आके गया। आमेन। और वो अपनी पढ़ाई लिखाई लेके लैपटॉप वैपटॉप लेके सब आ गया, ये कोड और वो कोड और ये ईबुक और जाने क्या क्या ले आया वो, हैं? समझ रहे हैं आप। दाऊद बोला वह तेरे पास तो डिग्रियों का ढेर और मैं बिना डिग्री के आया, हैं? खुदा ने सैमुअल को भेजा था मेरा अभिषेक करने, हैं? मेरे ऊपर से पहला खिंचाव दूसरा खिंचाव चालू हो गया, हैं? पहले खिंचाव मैंने भालू को मारा, दूसरे खिंचाव में मैंने शेर को मारा, अब बारी है तीसरे खिंचाव की। आमेन। और ये तीसरा खिंचाव तेरी गर्दन को तेरे सर पर होने नहीं देगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं चला और वह सीधे पानी में गया, पानी लोग भाषा भीड़। आमेन। पानी में गया, सारे पत्थर नहीं उठाए, छाट कर। आमेन। पहला सैमुअल 40, उसने पत्थर छाट कर, एक दो तीन चार पांच। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशन के 5 पत्थर लिए। आमेन। अब मुकाबला तलवारों का नहीं है, अब मुकाबला तलवारों का इनका नहीं है, अब लड़ाई कोर्ट्स की नहीं है, अब तो सामर्थ की है। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। और उसने वो पत्थर चरवाए पास्टर की थैली में रखा, यही है। और आप याद रखें उस चरवाए की थैली में एक और चीज होती थी, वो होता था शहद जो चूने के चट्टान पे डाला जाता था। आमेन। ये पहला खिंचाव है, याद रखिएगा, चंगाई पहला खिंचाव है, ताकि भेड़ बीमार पड़े शहद डाला जाए, वो शहद चाटे और चूना भी चाट ले और चंगी हो जाए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरे शब्दों में शहद भाईचारे का प्रेम है। आमेन। जो इस चट्टान पे डाला गया ताकि आप इसे चाटे, आप इसे विश्वास, सद्गुण, समझ, धीरज सब चाट जाए। आमेन। आपको ये चाटना होगा मेरे भाई बहन, क्योंकि यही है जो चंगा करेगा। आगे बढ़े और इसे चाटे। आमेन। उसने प्रकाशन का पत्थर लिया। अगर ये दाऊद चलाता तो पत्थर कहीं भी जाता। आमेन। यही तो प्रकाशन है, वो प्रकाशन कहीं भी लगेगा। हमें प्रकाशन सटीक जगह मारने के लिए बाइबल क्या कहती है, आमेन, छाप कहां लगेगी, माथे पे। भाई साहब पूरे कोट से, इससे, जूतों से तो ढक गए, खुला था तो सिर्फ माथा। आमेन। पशु की छाप भी माथे पे लगेगी और पवित्र आत्मा की छाप भी माथे पे लगेगी। माथा क्या, प्रकाशन, यही तो आता है। आमेन। क्या प्रकाशन है, इस बात पर छाप लगेगी आपके पास, एज इट इज, टाइम में क्या जी रहे हैं आप। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिएगा, आपके पास जो कुपियों में तेल है, वो मसालों वाला तेल आपको ललकार तक लाएगा। आप कुछ दिन झूठ नहीं बोलेंगे, आप कुछ दिन व्यभिचार नहीं करेंगे, आप चोरी नहीं करेंगे, आपको थोड़ा नशा हो जाएगा, आप भी बिलीवर हैं। लेकिन मैं इस बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं, ये तेल तो केवल वहां खत्म हो जाएगा जैसी ललकार पहुंचेगी। आमेन। क्योंकि सबकी मसाले भुजने लगेंगी, याद रखिएगा, कितनी चल रही है इससे मतलब नहीं, पर्टिकुलर लिमिट में तेल है मसालों में। कितना संदेश आप जानते हैं मायने नहीं रखता, पर्टिकुलर संदेश आपके पास लिमिट में है आपकी मसालों में, ये याद रखिएगा। आपके पास एक्स्ट्रा ऑयल 7 थंडर रिवाइवल। आमेन। ये कुप्पियों में तेल है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यदि ये आपके पास वर्तमान है तो यीशु मसीह को पहचानने में, दूल्हे को पहचानने में, पवित्र आत्मा को पहचानने में निष्फल नहीं होने देगी। यही मैसेज है। आखिरकार क्या हुआ, प्रकाशन रखा गोफन के अंदर, विश्वास के हाथों से थामा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। और 7 बार घुमाया, बैक 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 बैक, 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 बैक,
और सीधा उसने एंजल ने अपने हाथों में लिया और लेके उड़ा। अब मारना कहां, ये तो एंजल जानता है। एंजल ऑफ द लॉर्ड लेकर पत्थर गया, सीधा टारगेट ये, और गोलियत था। प्रेज द लॉर्ड। बस यही प्रकाशन कैंसर के सामने लेके जाना, फेल नहीं होगे। यही प्रकाशन अंधों के आगे लेके जाना, फेल नहीं होगे। यही प्रकाशन पुनरुत्थान में उन मरे हुओं को जिंदा कर देगा। विश्वास लेके आगे बढ़ो। आमेन। खुदा ने ऐसा कहा है, आप फेल नहीं हो सकते। प्रेज द लॉर्ड। कितना चिल्लाया वो 40 दिन, 40 मिनट में खेल खत्म कर दिया। हमारी सेवकाई ने, 5 पत्थरों की सेवकाई ने, आमेन, 40 मिनट में खेल खत्म कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। मैं दिखाऊंगा ये खेल कैसे खत्म हुआ भी आगे। अब बरेली से आया हूं तो थोड़ा टाइम तो लूंगा, बीच में खाने वाने खाएंगे भाई। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लीजिए, आपके लिए इस विषय पर एक कोट भी पढ़ता हूं, मजा आएगा आपको। बहनों, खाना वाना खाया था सुबह? भाई आमीन उमीन कहां गई है? भाई मोहल्ले में लड़ाई होने दो, है ना, या भाई से कोई बात होने दो, आवाज पल्ले मोहल्ले तक जाएगी। लेकिन जब यीशु मसीह की बात आती है तो दूध भी कंफ्यूज हो जाता है बहनों के मामले में। प्रेज गॉड, यू आर द सन्स ऑफ गॉड। आप भी परमेश्वर के पुत्र हैं और ये परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने का दिन है। आपका स्टेचर क्या है, एक महिला का है, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको अपने पुत्र के रूप में देखता है। आमेन। तो परमेश्वर के पुत्र ऐसे शांत नहीं बैठते, ताली बजाओ। आमेन। सुसमाचार के जूतों को पहनो। आमेन। हालेलुया। ये परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। याद रखिएगा, आप आज छुटकारा पा जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपके साथ है। आज आइए पढ़ता हूं आपके लिए परिच्छेद से। आमेन। लीजिए, वहां कोई और पृथ्वी पर दूसरा स्थान नहीं है कि ये प्रकाशन हो। आमेन। वहां पृथ्वी पर कोई ऐसा जगह नहीं है जहां यह प्रकाशन हो। वहां एक कलेसिया लंगर ली हुई थी और वे बस आज रात इसी तरह से है। आज रात सारे संसार में परेशानी है, वहां एक 5 प्रकार की सेवकाई अभी आनी है। आमेन। बड़ा कोलमैन के कोट से आनी है। आज रात सारे संसार में परेशानी है, वहां एक 5 प्रकार की सेवकाई अभी आनी है। अंत में दाऊद की सेवकाई दृश्य पे आ जाएगी। आमेन। और गोलियत के सर मस्तक पर घात करेगी। जब यीशु मसीह का प्रकाशन इंडियाना, कनेक्टिकट, ट्यूशान, जॉर्जिया और सारे स्थानों में जाएगा, भारत में जाएगा, चाइना में जाएगा, हर जगह यीशु मसीह का प्रकाशन जाएगा। आमेन। और तुम परमेश्वर की भेड़ को चिल्लाते हुए आते देखोगे। आमेन। अभी तक सारे चुप बैठे थे, जैसे ही गोलियत ने सिर उड़ते देखा गोलियत का, एक ही मिसाइल मारी, ये पड़ी JESUS, बड़ी खतरनाक मिसाइल है। हाँ, सीधी लॉन्च करी और ये शुरू से ही बड़ी खतरनाक है। जुम ता, पूरा प्लेनेट गायब। आमेन। जब ये प्रकाशन जाएगा, आमेन, गोलियत ने कितनी भेड़े अपने मुंह में दबा रखी है, ओ सब उगलेगा हैं? आज हम देख सकते हैं, बिना सर की दे वो पड़ी है, बिना सर की दे। स्त्री का सिर पुरुष, पुरुष का सिर मसीह, मसीह का सिर खुदा खुद है। आमेन। और कलेसिया का सिर कहाँ है? मसीह है। चोटी का पत्थर कलेसिया का सिर है। आमेन। यीशु मसीह ने आपसे कहा था ना, मनुष्य के पुत्र को लोमड़ियों को तो जगह है, पक्षियों के बसेरे हैं, मनुष्य के पुत्र को सर रखने की जगह नहीं है, क्योंकि तब कलेसिया तैयार नहीं हुई थी। सर कहां रखा जाता है? देह पे। आज देह है, इसलिए वो सर इस देह से जुड़ने के लिए तैयार है। हालेलुया। आप भेड़ को आते देखोगे। आमेन। हालेलुया। जब वो सच्चा दाऊद यीशु मसीह, जब वो यीशु मसीह के प्रकाशन की चट्टान को लेता है, जब वो सच्चा दाऊद सातवीं मोहर के साथ खड़ा रहेगा और परमेश्वर की सामर्थ के साथ, और वो उसी समय उस बात को साबित करेगा और गोलियत के सर को घात करेगा। सारी भौतिक ताकतें, वे तंबू, सफेद घोड़ा, संदेश की भौतिकता, सारे तितर बितर हो जाएंगे। बहुत आप सुन रहे होगे आजकल, वो तो काले घोड़े पे आ रहा है, वो तो सफेद घोड़े, अरे सफेद बादलों पे आ रहा है। अरे भाई आपको नहीं पता है, वो तो ऐसे आ रहा है। अलग अलग प्रकाशन, अलग बातें, ये सब तितर बितर हो जाएंगे वो प्रकाशन आते ही है। वो कह रहा है सफेद बादल पे आ रहा है, कह रहा है अरे आ तो रहा है, अरे साइकिल पे आ रहा है, हटाओ, रिक्शे पे आ रहा है, आ रहा है, बस यही बहुत है।
ये दिमाग में घपाओ कैसे आ रहा है, ये याद रखो आ रहा है, हैं? जैसे एक बहुत साल पहले, 20 साल पहले थोड़ा नटखट था मैं, टीन एज में थोड़ा सा होता ही आपको पता है ना। एक भाई आए, बोले वो यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे के बड़े खिलाफ थे, और जब हुआ तो मैं उनके पास गया, मैंने सर बताइए जरा बादल का क्या मतलब है, रैप्चर पर विश्वास नहीं करते थे। बोले बादल, बादल मतलब, मैंने हाँ बादल का क्या मतलब है, बोले बादल आप कहना क्या चाहते हैं, मैंने कहा बादल का क्या मतलब है ये कहना चाह रहा हूं, बोले बादल का क्या मतलब है, बादल का क्या मतलब है, बोले अच्छा तुम बताओ बादल का क्या मतलब है, मैंने बादल का मतलब बादल, अरे बादल का मतलब तो बादल ही होता है, वो बादलों पे आने वाला है, उन्हें ये कहा था। बोले आप तो बस, मैंने तो फिर आप काहे को रैप्चर पे विश्वास नहीं कर रहे, जब वो कह रहा है कि वो आ रहा है, अब वो कैसे ले जाएगा, कहां ले जाएगा, अब मैं आया यहां पर, मैं घोड़े पे आया, साइकिल पे आया, रिक्शा करके आया, बस से कैसे आया, मैं आ गया, वो आ रहा है ये फर्क है, वो सामान तो डेल रहा है ये है, अब उसमें घुसो मत, मतलब चिथड़े कर रखे, ऐसे उड़ेलेगा फिर वो दूध वहां चला जाएगा, वहां से इधर आ जाएगा, उधर से उधर चला जाएगा, अरे क्या ड्रामा है, सीधे सीधे बाइबल देखो, अपने आप को तैयार करो, कुप्पी में तेल है कि नहीं, बस दिक्कत में आ जाओगे, बता रहा हूं। जब वो सच्चा था उस आदमी मोर के साथ खड़ा रहेगा और परमेश्वर की सामर्थ के साथ, और उस समय उस बात को साबित करेगा और गोलियत के सर को घात करेगा, सारी भौतिक ताकतें, वे तंबू, सफेद घोड़ा, संदेश की भौतिक सामर्थ संदेश की तितर बितर हो जाएंगी और सच्चा संदेश आगे बढ़ेगा, फिर से एक सवारी होगी, आमीन, हम इसी राह पर है, फिर से एक सवारी होगी। तो भाइयों जब तक आपके मतभेद आपस में सही नहीं हो जाते, आप रैप्चर तो दूर की बात है, धारीवाल से औरंगाबाद नहीं जा पाओगे ना, ये तो है। मैं हमेशा कहता हूं हमारे यहां बरेली में एक जगह कुतुब खाना है, बहुत लंबी चौड़ी बातें करते हैं लोग, लेकिन मैं बता दूं आपको रैप्चर तो दूर की बात है, कुतुब खाने नहीं जा पाओगे, क्यों, जब तक आपके मतभेद सही नहीं हो जाते। इसलिए जितने भी हैं, अरे उनने तो मेरी भैंस मार दी, अरे भैया उससे कह दो पैसे ले ले भैंस के, लेकिन मामला खत्म करो बस, वरना ये आपके जीवन पर फर्क डालेगा भाई, आमीन। मेरा क्या है, मैं तो प्रचार करके जा रहा हूं, अभी दोपहर का खाना खाऊंगा, रात का खाना खाऊंगा, मैं ये गया, मैं तो जितना फैलाना है रायता फैला के जाऊंगा, ठीक है, इसलिए एक हो जाओ, मैं वही बोलूंगा जो बाइबल में है, और कोट सारे यहीं से आएंगे, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और आज आप देखें, आमीन, समालोचन से पढ़ा था मैंने, 5 पत्थर प्रकाशन के, ये क्या करते हैं, ये भेड़ों को वापस लाते हैं, ये सेवकाई क्या करती है, ये बातें नहीं करती है, ये प्रैक्टिकल में होती है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैंने आपको बताया था, वो तेल ललकार तक है, फिर तेल बुझने लगेगा, लेकिन जाने के लिए तेल फिर से डालना पड़ेगा, इसलिए पहली बारिश आपको ललकार तक लाती है, लेकिन फिर दूसरी बारिश फिर से भरा जाना, रिफिल का क्या मतलब होता है, दूसरी बार भरा जाना, आमीन। तो दूसरी बार कैसे भरते हैं, प्रकाशन से, हैं? बिना प्रकाशन के आपके पास विश्वास हो ही नहीं सकता, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए, आज की दुल्हन रूत जो है, आज की दुल्हन को रिप्रेजेंट करती है, हैं? अभी मैंने दूल्हे के बारे में बताया था, मसीहा के बारे में, अब दुल्हन के बारे में, रूत आज की दुल्हन को रिप्रेजेंट करती है, रूत निर्णय लेती है ना, मतलब न्यायोचित ठहरना, यही तो है, रूत निर्णय लेती है मतलब न्यायोचित ठहरना, रूत परिश्रम करती है मतलब पवित्रीकरण, समझते जा रहे ना आप, मैं बहुत ज्यादा इसलिए छोटे उसमें ले रहा हूं, रूत परिश्रम करती है मतलब पवित्रीकरण, रूत विश्राम करती है मतलब पेंतिकुस्त, पेंतिकुस्त का यही मतलब बताया नबी ने, आप लोग अगर मैसेज पढ़ते हैं आपको पता है। तीसरी कंडीशन, रूत विश्राम करती है मतलब पेंतिकुस्त है, अब आप जोड़ लीजिए लूथर वेस्ली पेंतिकुस्त, आमेन। और उसके बाद रूत पुरस्कार पाती है मतलब पुनरुत्थान रैप्चर, आमेन। ये 4 कंडीशन है परमेश्वर ने रूत के जरिए आप तक बता दी, रूत एक अन्य जाति स्त्री है और वो आज एक पुरुष है जो कि यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहा है, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो सेवकाई आपको क्या करती है, इन कंडीशनों पे स्टेज पर लेकर आती है, पहले निर्णय, न्यायोचित, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और उसके बाद पुनरुत्थान, प्रेज द लॉर्ड। आप बिल्कुल भी ना भूले बहनों, केवल रोटी ही बनाना सब कुछ नहीं है भाई, मैं तो बच्चों को पाल रही हूं, ये इसके आगे भी कुछ है, आमेन। अब बहुत सारे भाई कहेंगे मुझसे, भाई हमने तो जीवन में कभी प्रचार ही नहीं करा, भाई हमने तो कभी भी डिकन का काम नहीं करा, भाई आप क्या करते हैं, आलू खोदता हूं, ईमानदारी से आलू खोदिए आप रैप्चर में जाएंगे,
हाँ, किसी की जगह लेने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, गन्ने उगा रहे हैं आप, गन्ने उगाइए और प्रचारक अपने प्रचार कार्य पर लगे रहिए। प्यारी बहन, कपड़े धोना जारी रखिए, बच्चों का पालन जारी रखिए, आपको रैप्चर से जाने से पूरा अधोलोक नहीं रोक पाएगा। आपको जो करना है बस उसमें लगे रहिए, कोई ड्रामा करने की जरूरत। अब तो मैं 40 दिन के रोजे रखूंगी, क्या करूंगी रख के? क्या लिखा है 40 दिन के रोजे के बाद आप रैप्चर में जाओगी? अगर 40 दिन के रोजे रखने से रैप्चर में जाते तो मैं 60 दिन के रखूंगा। अभी नहीं जाते हैं, ये बकवास है, ये पेंटिकोस्टल में शैतान ने फैला रखा है। एक और है, कुछ ऐसे चर्चे जहां बड़े दर्शन देखे जाते हैं। मैं उस चर्च में अचानक गया, हम देख रहे हैं गांव के लोग आते हैं ना, सफेद फूल बरस रहे हैं, पादरी उसका अपनी तरफ से ही मतलब लगाए पड़ा है, और सफेद फूल बरस रहे हैं इसका ये मतलब। फिर हमने देखा कबूतर उड़ गए, वो पवित्रात्मा था। हमने देखा दरवाजे में से कोई आधा झांक रहा है ऐसे करके, उसका आधा चेहरा दिख रहा है, थोड़े बाल लंबे लंबे, आधा दिख रहा है। माता जी आप दशवांश आधा देती हैं, आप पूरा दशवांश दें, पूरा दिखेगा। तो ये चल रहा है चर्चेस में, है ना। अब मैं वहां बैठा, मैंने कहा आधे चेहरे का दशवांश से क्या लेने देना, समझ रहे हैं आप। तो वो लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं, दुल्हन टाइम पास की नहीं है, वो निर्णय लेती है, वो कार्य पर है, सामर्थ पाने के लिए आगे बढ़ रही है। आमेन। आप किसी ढकोसलेबाजी में नहीं है, वास्तव में एक संदेश में चल रहे हैं आप। एक प्रकाशन आया है आपके लिए, 1963 में एक प्रकाशन आया है आपके लिए, और प्रकाश मानो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यहोवा का देश तेरे पर पहुंचा हुआ है, मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ गया है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसने इन सेवकाइयों को रखा। पवित्र लोग, अपवित्र लोग कहते है ही नहीं, समझ रहे हैं। मैं यहां कितना प्रचार कर रहा हूं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और खोके के पीछे ये ज्यादा प्रचार होता है। ये कौन है? ये एक मसीह है ना। क्या टाइम हो रहा है? 12:30 बज गया, लड़कियों की छुट्टी हो गई होगी, वहां खड़ा है ये बिलीवर खड़ा है। समझ रहे ना। हाँ, आड़े हाथों लेना बच्चों, कोई भी ऐसा दिखाई दे है? कुछ खास बिलीवर चर्च के अंदर ही ये दुष्टात्माएं लेकर आते हैं, है? जहां बहनें बैठी हैं प्यास वहीं लगेगी ज्यादा, और पर्टिकुलर एक बहन होगी जिसे छांट रखा है, उससे बार बार पानी मंगाएंगे, सिस्टर पानी, है ना, और बार बार पादरी साहब के पास आके, भाई मैं सिस्टर को छोड़ा हूं। अबे दादी को क्यों नहीं छोड़ रहा है? आंटी बड़ी लड़खड़ा के चल रही है ना, क्यों नहीं छोड़ रहा है? आप आत्माओं को पकड़े, याद रखे, धूल उड़ाते हैं हम लोग, साफ बात। यहां कोई ये गर्जन वो गर्जन होते रहेंगे, यही गर्जन है। सफाई करना, सफाई करना चर्चेस की, कौन करेगा? 5 प्रकार की सेवकाई ये काम भी करती है। आमेन। मैनिफेस्टेशन ऑफ द 5-4 मिनिस्ट्री। आमेन। आमेन। ये पवित्र लोगों को सिद्ध करने वाली सेवकाई है। आमेन। इफिसियों की पुस्तक अपवित्र को लिखी नहीं गई। यहां पर आप अपने भाई से चिड़ेंगे और उसके बाद हालेलुया रखी रह गई आपकी, कोई आग नहीं आने वाली। आमेन। इंतजार करते रहिए, ए बाल गिरा दे, गिरा दे, कुछ नहीं होगा। आमेन। याद रखिएगा, हम सबने एक देह होने के लिए मसीह में बपतिस्मा लिया। अगर हम यहां एक नहीं है मेरे भाई बहनों, आप वहां भी एक नहीं है, और वहां इस प्रकार का एक भी व्यक्ति नहीं होगा। दैट्स द लॉर्ड। यहां एक हो जाओ, यहां प्रैक्टिस करो प्रेम करने की, पहले यहां। वहां थोड़ी ना मशीन लगी हुई है कि आपको प्रेम करवा देगा कोई, है? कौन सा भाई? अरे यार ये बड़ी नफरत करता था पृथ्वी, यीशु मसीह में बैठा हुआ, इसे लेके आ, मशीन नंबर 7 में डालो, है? हालेलुया, देखा बन गया, बन गया। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, यही होगा जो होगा, यही मसीह बनोगे, या यही तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगेगी, या यही दुष्ट आत्मा की। आमेन। फैसला आपके हाथ में है, तेल लेना है या नहीं लेना है, ये आपके हाथ में है। आमेन। याद रखिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीजिए साहब, अब आपके लिए कुछ प्यारे से कोट पढ़ूंगा ताकि आपको लगे हम ऐसे ही नहीं है, हम तो बड़े बढ़िया वाले हैं। मेरे साथ हैं आप, तो शांत क्यों बैठे, ताली बजाएं। आइए लीजिए, मैं मैसेज से पढ़ रहा हूं, पहली मोहर।
मैं विश्वास करता हूं कि वे 7 गर्जन अंतिम दिनों में प्रकाशित किए जाएंगे और उसके द्वारा दुल्हन को सुहागरों के विश्वास में इकट्ठा किया जाएगा, क्योंकि अभी जो हमारे पास विश्वास है उसके द्वारा हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमारे पास दिव्य चंगाई के लिए भी पर्याप्त विश्वास नहीं है। हमें पल भर में बदल जाने और इस पृथ्वी पर से चले जाने लायक विश्वास की आवश्यकता है। यदि प्रभु ने चाहा तो हम शीघ्र इसे पा लेंगे। आप ढूंढने की एक कहां लिखा है, यदि परमेश्वर ने कहा तो हम शीघ्र इसे पा लेंगे। दस द लॉर्ड है, ये सीधा सीधा आपके लिए तेल उड़ेला जा रहा है। आमीन। अगर उसने कहा आप इसे पालेंगे तो आप इसे पालेंगे भाई, फिर कठिन नहीं है। एक भाई मेरे पास आए, अरे भाई पवित्र लोगों का न्याय बड़ी कठिनता से होगा। मैंने क्या कहा आपने, बोले पवित्र लोगों का न्याय, मैंने हो तो रहा है कठिनता से ही सही, हो तो रहा है, या तो ये होता होगा ही नहीं तो समझ में आते हम तो मर गए, है ना। हाई स्कूल करने जाते हो, बड़ा कठिन पेपर आता है तो करते नहीं हो क्या, अरे बड़ा कठिन है, हटा इसे, मैं नहीं करूंगा हाई स्कूल, अरे बहुत कठिन होता है भाई। कुछ तो IAS तक पहुंच गए यही हाई स्कूल करके, कठिन कठिन एग्जाम देके, अरे हर एग्जाम कठिन होता है। जब यहां इतना कठिन है, एक चपरासी का एग्जाम इतना कठिन है, तो वो तो स्वर्गवालों का एग्जाम है, वो इतना सरल होगा। पवित्र लोगों का न्याय कठिनता से, अरे हो तो रहा है, अरे अंगूठा टेक पत्रस पास हो गया और स्वर्ग लोग की चाबी पा गया, अरे आप तो तब भी लिख पढ़ सकते हो है? मछुआरे बताइए आप, फिलिपुस और ये वो क्या कर रहे हैं, आप देखें ये मिनिस्ट्री कर रहे हैं है? कोई महसूल लेने वाला, कोई जाने क्या ही, कोई टाटा बिल्डर नहीं है इनमें, समझ रहे हैं? कठिनता से ही सही ले तो जा रहा है, है? रूत ने कठिनता से सही परिश्रम किया, निर्णय लिया, आखिरकार आज राजमाता है वो इसराइल की। आमेन। तो आप भी तो महारानी है, ऐसी बन जाएंगी महारानी, फटीचर से दिखाई दे रहा है महारानी, जरा सी बात हो जाए तो अस्तीने चला लेते हो महारानी, ऐसी होती महारानी है, ऐसी होती है महारानी। महारानी अंदर रहती है, बाहर उसकी बड़ी बुराइयां होती है, ए महारानी तो बड़ी बुरी है, ए जो बुराई कर रहे हैं महारानी में और इनमें बहुत अंतर है। अच्छा, तेरे बुराई करने से वो महारानी नहीं रहेगी क्या आगे, वो तो राजा की पत्नी है। लोगों के ये कहने से जे मसीह है, ऐसे होते कोई मसीह, तो क्या आप मसीह नहीं रहोगे उनके कहने से? अरे कहने दीजिए, वो तो कहते ही हैं, हैं? लोग सरकार को नहीं छोड़ रहे हैं, लोग सरकार को नहीं छोड़ रहे हैं, वो आपको कहां से छोड़ देंगे? मैं बड़े कहते बड़ा पारी बाइबिल लेकर चल देते प्रचार करने। हाँ, प्रचारकों पे तो वैसे ही दोष लगते, बेटा बहुत कमाई हो रही है इसलिए ऐसा कर रहा है, पन्ना भैया कोई फायदा ना हो तो क्यों करेगा, हो तो रही है कमाई। अरे हमने बोलूस कह रहे आप टीचर भाई, आलोक का एक संदेश है, स्थिति और पोजीशन है ना, अभी हमने भी प्रचार किया वहां, हमारी स्थिति बेचारा अंधा पौलुस स्थिति कैसी है, हम निरुपाय हैं स्थिति कैसी है, है? वो लड़का फटीचर वो खा रहा है सुअरों के साथ स्थिति कहती है, लेकिन पोजीशन क्या है उसकी, राजा का लड़का है वो, गरीब से दिखाई देते हैं लेकिन बहुतों को ये पोजीशन है हमारी, है? बीमार से जैसे दिख रहे हैं लेकिन बहुतों को चंगाई के लिए काम कर सकते हैं, है? दिखते नहीं है दुल्हन जैसे लेकिन है दुल्हन जैसे, है? इसलिए कठिनता से सही जा तो रहे हो यही, अरे निकल लो सरक लो, कोई कठिन नहीं है, बस सच बोलो परमेश्वर के वचन के अनुसार जियो, क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हारे सामने टिक जाए। देखें नंबर 2, मुझे एक कलेसिया दें, दैट्स अ प्रॉफिट सेड, आमीन। 13 वंश फाटकों का अधिकारी होगा इस संदेश में, मुझे एक कलेसिया दें, मुझे 10 ऐसे मनुष्य दो जो प्रभु के रतन हो, मुझे 10 ऐसे लोग दे दो, नबी कह रहा है जो प्रभु के रतन हो। क्या अब्राहम ने खुदा से नहीं मांगे थे 10? क्या 10 मिले थे? आज काम नहीं हो रहा उसकी वजह यही है, नबी 10 मांग रहा है। आप लोग मैसेज कैसे पढ़ते हो मुझे नहीं मालूम, हर एक सद में आपको समझना चाहिए, अगर 10 मिल गए होते ना तो ये रिजल्ट आते, इसका मतलब है नहीं। नबी ने कहा 10 मुझे ऐसे दे दो, अब्राहम ने भी 10 मांगे थे मां, और जैसा सदोम के दिनों में हुआ था मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में वैसा ही होगा। आमीन। आवाज आ रही ना पीछे पीछे सब, मुझे 10 ऐसे मनुष्य दे दो। आप देखें, मुझे कलेसिया दें, मुझे 10 ऐसे मनुष्य दें जो वास्तव में प्रभु के रतन हो, शाही वंश हो, उन मनुष्यों को एक जगह इकट्ठा कर दो।
एक जगह लड़ने के लिए। ये कैसे आया, मैं नहीं आऊंगा, ये क्यों आया? तो फिर दस में, वो वाले दस में आप नहीं हो, फिर आप वो वाले दस में हो जिन पे सदोम में आग गिरने वाली है। मुझे दस ऐसे मनुष्य दो जो वास्तव में प्रभु के रत्नों शाही हो, उन मनुष्यों को एक जगह इकट्ठा कर दो और देखो क्या होता है। मुझे इस तरह के थोड़े से लोग दे दो, मुझे ऐसे मैं तुम्हें ऐसा प्रकाश दिखाऊंगा, यही तो मैसेज था मेरा, मैं तुम्हें ऐसा प्रकाश दिखाऊंगा जिसके पीछे संसार दौड़ रहा होगा। ये सही है प्रभु, हमें ऐसा प्रभु हमें ऐसा ही देखना चाहता चाहिए। आप पहाड़ी पर बसा हुआ एक नगर है, ऐसे कुछ लोग चाहिए, केवल दस ही ऐसे हो जाएं तो ऐसा प्रकाश दिखाई दिया जाएगा कि संसार उसके पीछे दौड़ेगा। फिर इसका मतलब दस भी नहीं है, खुदा की निगाह में स्थिति देखिए, कन्विनेशन कराने से होना क्या है मुझे बताइए। खुदा को कुछ रत्न चाहिए मेरे भाई, आमेन, ऐसे नहीं मिल जाते हैं, आमेन। महायाजक यीशु मसीह के ये रत्न लगेंगे यहां प्लेट पर। आगे पढ़ता हूं, तुम आज रात ही मुझे एक दाग धब्बे रहित कलेसिया दे दो। तुम मुझे, नबी कह रहा भाई, एक दाग धब्बे रहित जिसमें कोई दाग धब्बा ना हो ऐसी कलेसिया दे दो, लोगों का एक ऐसा झुंड दे दो जब पवित्र आत्मा के साथ सिद्ध रूप में प्रभु की प्रतिज्ञा पे इसमें प्रतिज्ञा में जाया जाता है, आत्मा में विचरण करता है और मैं प्रत्येक बीमारी प्रत्येक कष्ट को चुनौती दे दूंगा। आप इस फाटक पर किसी भी बीमारी या कष्ट को लेकर आए और मैं यहां से पूर्णतः निरोगी होकर जाएंगे। जी हां श्रीमान, प्रभु ने प्रतिज्ञा की है, केवल अविश्वास का पापी से होने से रोक सकता है। आपका जिया गया जीवन किसी को चंगा होने से रोक सकता है, आपके द्वारा किया गया व्यवहार किसी को पवित्र आत्मा पाने से रोक सकता है। इसलिए बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं ताकि आराम आराम से आप सुने, आमेन। आप किस प्रकार का चर्च में बिहेव करते हैं, कैसा घर में बिहेव करते हैं, कैसा मार्केट में बिहेव करते हैं, याद रखिए ये आपके जीवन पर प्रभाव कर देगा। हर एक घटना पवित्र आत्मा खुदा के पास पहुंचा देता है आपकी, कि अभी आप इस लायक नहीं है कि आप पर ये पोजीशन दी जाए, हैं? ये अडॉप्टेड सेब का ये मेरे भाई, वो आप ही में से तो चुनेगा उन पत्रों को जिनसे गोलियत का सामना होगा, कहीं बाहर से थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी है। अरे ये तो सबके सब नालायक हो गए, गिली गिली छू वो बन गए पांच, ऐसा थोड़ी है कि खुदा जादूगर है कि वो अपने लिए अलग से बना लेगा, आप ही को उठाएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये कहना कि आदम जब खो गया खुदा ही ढूंढने आया, आमेन। आदम तू कहां है, आदम ने नहीं कहा तू खुदा कहां है, हैं? आदम तू कहां है, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। ओ खुदा का बेटा गिर गया, पाप में चला गया, लेकिन गिरने की स्थिति में भी खुदा का कलाम सुन सकता है। कितना गिर गया है मायने ये नहीं, मायने ये है कि खुदा का बेटा है तो गिरी हुई हालत में भी खुदा का वचन सुन सकता है। लेकिन यहां जब यीशु मसीह आया, फकी फरीसी जो राजनेता थे, अभी नेता थे, बॉलीवुड अभिनेता, जब उनके पास खुदा का वचन आया तो यीशु मसीह ने कहा तुम खुदा का कलाम सुन नहीं सकते। क्यों नहीं सुन सकते? कुछ ऐसा है ही नहीं जो तुम सुन सको, क्योंकि पुत्र गिरी हुई हालत में भी सुन सकता है तो उठी हुई हालत में क्या करेगा। जब गिरी हुई हालत में सुन सकता है, लड़का जब खो गया था, याद रखिएगा खोता भैया जो पहले से होता है, जो था ही नहीं वो खोएगा कहां से? जब खोया नहीं था तो सिक्का, खो गया तो सिक्का, मिल गया तो सिक्का, कुछ बदलाव हुआ? खोई तो भेड़, नहीं खोई तो भेड़, मिल गई तो भेड़, हैं? खोया तो पुत्र, नहीं खोया तो पुत्र, और मिल गया तो पुत्र, स्थिति में कोई बलवान नहीं आता है, आमेन। देखोगे, करके बताता हूं। ये कितने का नोट है भाई? ये कितने का नोट है? कितने का है? कितने में चलेगा? और कुछ नहीं, कितने में चलेगा? बेटे की हालत क्या हो रही है मतलब इससे नहीं है, चलेगा उतने में ही, खुदा उतनी ही सुनेगा उसकी, किस हालत में है ये मायने नहीं रखता। बेटा तो बेटा है, दुल्हन तो दुल्हन है, और प्रकाश मानो, तेरा प्रकाश आ गया है।
पहुंचा। That's the Lord. Amen. Hallelujah. मुझे कुछ 10 ऐसे लोग दे दो जिन्हें मैं आज का प्रकाश दिखा पाऊं। मुझे थोड़ा सा ऐसा झुंड दे दो जिसके पीछे दुनिया भागेगी। नबी ने कहा है ये होगा और जरूर होगा। Amen. ताकि पवित्र लोग, ये रखा है खुदा ने प्लानिंग में और ये जाएगा नहीं, ये होगा। Amen. खुदा का धन्यवाद हो, शाम का प्रचारक और भी आग लेके आएगा। Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. क्या हम उस स्थान पर आ गए? मेरी छुड़ाई भी प्रजा का वर्ष आ गया। 28 फरवरी 1963 प्रकाश नीचे आया। Amen. प्रकाश नीचे आया, अर्थात संदेश नीचे आया। Amen. और संदेश भाग से कहा अपने चर्च प्रसन्न मिल जाओ है और 7 मोहरों को प्रचार करो। Amen. और प्रकाशमान हो क्योंकि मेरी प्रजा का वर्ष आप हो जा। मैंने इसे यशाया 63 से पढ़ा था। मैंने इसे यशाया 63 से पढ़ा था। हाँ नहीं है ना? आपने कंटिन्यूटी देखी? यशाया 60 में प्रकाश आया। भाई रॉबिन्सन, हाँ जी, कलेसिया काल 60 में प्रचार हुए हैं और प्रकाश दिखाया गया है। 62 में दुल्हन का संदेश आ गया। 62 में श्री मानो क्या ये समय है? उसी की दुल्हन है, उसी का दूल्हा है, आ गया। 63 में उठ प्रकाश मानो। 64 में है ना, देखेंगे, आइए देखते हैं। ऐसा ही है भाई, ये तो बाइबिल है। मैंने कहा था पुराना नियम नए नियम का छाया है। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य की नाई है और हमारे धर्म के काम सबके सब मेरे चित्रों के समान है। हम सबके सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के काम हमें वायु की नाई उड़ा देते हैं। आमीन। 64 में ये संदेश आया। आमीन। जब परमेश्वर ने धूल उड़ानी शुरू करी है। 65 में वंश के ऊपर संदेश आ गया। आमीन। 65 में क्या आया? क्योंकि देखो मैं नया आकाश नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं। 60, 61, 62, 64 और 61 में अभिषेक आया। यहोवा का आत्मा मुझ पर है, मेरा एक सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक हुआ है। नबी का एक संदेश है, आज ये लेख। एक बार यही बात यीशु मसीह ने बोली थी है ना, और किताब बंद करके रख दी थी। अगर वो लेख पूरा हुआ तो ये वाला कौन सा लेख पूरा हुआ जो नबी ने प्रचार किया है? आप लोगों को पता है जिस दिन ये संदेश प्रचार हो रहा था उस दिन सिस्टर मैडम ने भाई बहनों को नई बाइबिल दी और बाइबिल गई चिपक। वो बार बार खोल रहे नहीं खुल रही। तो वहां एक कैथलिक बिशप बैठा था। वो अपनी बाइबिल लाया और बोला बेटे तुम्हें इसकी जरूरत है, और बिशप ने बाइबिल दी। भाई बहनों ने ये जगह निकाली जहां ये लिखा था यहोवा का आत्मा यीशु मसीह को किसने दी थी? सेवक ने दी थी। तो ऐसे बीबी थोड़ी देगी, सेवक ही तो देगा। आमेन। ये सामने पूरा हो रहा है आपके प्रकाश, यही था ना? आमेन। वे वहां आया जहां पाला पोसा गया था, जहां पैदा तो कंटकी में हुआ था, जहां पाला पोसा गया था। पता है आपको कहां पैदा हुआ था भाई बहन? कहां पाला पोसा गया था है? वहां आया, एरिजोना में। आमेन। सारी चीजें लिखी हुई है, आप देखें है। आगे चलते जाए, ज्यादा जानना है तो और बाद में बातचीत करेंगे। वो वहां आया जहां पाला पोसा गया था। भाई बहनों उसी जगह ये संदेश प्रचार करते हैं। आज जब वो कार से उतरते हैं, बच्चों ने जिद करी भाई थोड़ा सा जरा बर्गर दिलाओ, भूख लगी है, उनकी बाई बोली सॉरी हनी मैंने तुम्हें ये बाइबल नहीं देनी चाहिए थी। बोली नहीं नहीं, परमेश्वर की जरूर कोई मर्जी रही होगी। कार का दरवाजा खोला, पवित्र आत्मा अंदर आया, बोले जहां पाला पोसा गया था तब भाई बहनों के समय में आया। आज ये लेख कौन सा वाला? पलटा लेने का दिन। आपका दूध पलटा लेने वाला दूध है भाई। आमेन। तो याद रखिएगा, अगर ये संदेश नहीं सुना तो आप चले गए कटोरों में, और अगर सुन लिया तो आप चले गए गर्जन में, क्योंकि 7 गर्जन दुल्हन को इकट्ठा करता है। आमेन। पता नहीं गर्जन से क्या दिक्कत है, जहां मैंने गर्जन करना मैं बगले शुरू। ये आप नहीं हो जो ऐसा करते हो, दिखाता हूं मैं, ये हमेशा ऐसा रहा है। याद करो, चलो पीछे चल रहे हैं। एक संदेश आया था लोगों से, कह दे क्या पानी बरसेगा, पानी बरसेगा
हाँ, एक संदेश आ गया, पानी के द्वारा दुनिया खत्म होगी, पानी बरसेगा। तुरंत रातों रात नौटंकी वाले खड़े हो गए, कोई पानी नहीं बरसेगा। आपने एक चीज ध्यान दी, जो ये प्रचार कर रहे हैं पानी नहीं बरसेगा, इनका संदेश भी पानी। अबे कुछ और प्रचार कर ले, चल बड़े दिन को प्रचार कर ले, और कुछ प्रचार कर, लेकिन नहीं, ये पानी प्रचार करेगा, क्योंकि नू ने प्रचार करा, पानी बरसेगा। पानी बरसेगा या नहीं बरसेगा ये तो बात की बात है, संदेश इनका भी पानी और इनका भी पानी। आमेन। फिर आया, आग गिरेगी, रातों रात प्रचारकों की नकल चालू, पर कोई आग नहीं गिरेगी। बकवास, तुझे आग से क्या मतलब, नहीं गिरे या ना गिरे तुझे क्या मतलब, तू कुछ और प्रचार कर ले, है ना, चंगाई प्रचार कर ले, कुछ और बहुत चीजें हैं प्रचार करने के लिए, लेकिन आग पे प्रचार कर। हाय भाई बहनों, प्रेज गॉड, कोई आग नहीं। अरे तुझे आग से क्या मतलब, आग गिरेगी या नहीं गिरेगी तो बात की बात है, उनका संदेश भी आग, तेरा भी आग, क्योंकि सीजन ही यही है। आग ही प्रचार करोगे बेटा, पानी प्रचार करोगे, आप गर्जन हुए या नहीं हुए तो बात की बात है, लेकिन संदेश तुम्हारा भी गर्जन, हमारा भी गर्जन। कोई गर्जन नहीं हुए, हाँ कैसे हो गए गर्जन, गर्जन के अलावा कुछ और प्रचार कर ले, बहुत कुछ है, वो नहीं करेगा, करेगा गर्जन ही, सातवीं मोहर प्रचार करेगा, सातवीं मोहर नहीं खुली, नहीं खुली, बाइबल तो कह रही है खुल गई, और वो नीचे आ गया, ना ना सातवीं मोहर नहीं। आपको पता है सातवीं मोहर तो खुदा का आगमन है, तुझे कैसे पता सातवीं मोहर खुदा का आगमन है जब नहीं खुली, तुझे कैसे पता भाई, ये गर्जन नहीं है, ये गर्जन नहीं है, ये नहीं है, तो तू बता क्या है, जे नहीं मालूम तो तुझे कैसे पता जे नहीं है, हैं? जे आज भाई संडे नहीं है तो आज क्या है, जे नहीं पता तो तुझे कैसे पता संडे नहीं है, है ना। अरे भैया ये खुदा के बच्चे हैं जो भैंस को भी भैंस में बैठा देते हैं, इसलिए चक्कर में मत पड़ा करो, आगे बढ़ो, जब बाइबल कह रही है वो आया और गर्जन हुए तो हुए। आमेन। और क्या गुप्त रखने को कहा था, ध्यान दें, जो बातें गर्जन की बातें गुप्त रखने को कहा था, गर्जन गुप्त करने को नहीं कहा था, सही से पढ़ो, जो बातें तूने गर्जन के शब्द में सुनी उन्हें गुप्त रख। तो क्या गर्जन के शब्दों में कुछ बातें हैं, बिल्कुल, उन्हीं का खुलासा, इसलिए नबी ने कहा था हम देखेंगे कहां लिखे हैं, बस। हाँ जी, है यीशु मसीह आया, पहलियों में बात करता था हमेशा। देखो भाई, मैं तुमसे बहुत गहरी गहरी बातें नहीं कह सकता, प्रभु क्यों ना, तुम अभी समझ नहीं सकते, इसलिए नहीं समझ सकते ना, लेकिन देखो पवित्र आत्मा आएगा, वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। अरे प्रभु तेरी बातों में से लेकर बताएगा, हाँ कौन, पवित्र आत्मा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रहा, क्यों प्रभु, क्योंकि तुम सह नहीं सकते, जब हम सह नहीं सकते तू हमें बता नहीं रहा है तो पवित्र आत्मा कौन सी बातों में से लेकर बताएगा, तू तो बता ही नहीं रहा, मतलब बता गया, पवित्र आत्मा जब आएगा मेरी बातों में से लेकर बताएगा, पर मैं नहीं बता रहा, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, ग्लोरी ऑफ गॉड, आमेन। इसलिए व्हाट प्रकाशमान हो, प्रकाशन आ गया है, आमेन। और उसके बाद जब प्रकाशन आ गया है, आमेन, तो सूरज वहां, चंद्रमा वहां, यही होगा, आमेन। प्रभु अभी बहुत सारी दुष्ट आत्माएं, क्या करूं, यहोशू को याद करो, मूसा कौन था, मूसा नबी पहाड़ तक आया, प्रॉमिस लैंड नहीं ले जा पाया, समझ रहे, यहोशू लेकर गया, यहोशू मतलब पवित्र आत्मा, आमेन। यीशु मसीह आया, प्रॉमिस तक ले आया, आगे नहीं ले गया, पैंतीकोस के दिन पवित्र आत्मा आया, वो स्थानों को बांटता है, खुद को अपोस्टल, प्रॉफेट, इवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर, ये पवित्र आत्मा ने एक व्यक्ति के अंदर से होकर स्थान दिया, आमेन, समझ रहे हैं। और जब पवित्र आत्मा आया, जब प्रॉमिस लैंड का समय आया, याद रखिए, एक भाई बोले अभी, एक दूसरी प्रेरणा चल रही है, हम ये हैं, मैंने भाई एक बात बताइए, कनान जो था वो पवित्र आत्मा का पैरलर है, पता है आपको, पवित्र आत्मा हमारे पास, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा है, उनके पास में कनान की प्रतिज्ञा थी, तो जब वो कनान में घुस गए,
तो क्या कनान बन गए थे? आई एम कनान है? बोले जी ब्रदर, मैंने हाँ, जैसे आप कह रहे हो प्रतिज्ञा ये है, पैरलर वही रहेगा भाई जो पुराना नियम है। आपको अच्छी तरह बाइबल की पुरानी नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो कनान में घुस के कनान को कब्जा कर रहे थे तो आपको तो पवित्र आत्मा में कब्जा करना है, यही तो है। क्या वो कनान में घुस के खुद कनान बन गए? आई एम कनान। आमीन। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? हाँ। बोले कनान तो नहीं बन गए थे, तो फिर मैंने कहा आप कैसे बन गए? अपनी जगह हासिल करो, बस यही है आपकी कहानी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा को थोड़ी देर के लिए, दुष्ट आत्मा को खत्म करने के लिए कुछ समय की जरूरत थी, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा था, सूरज डूबने वाला था या जो भी था। आमीन। यहोशू पवित्र आत्मा ऊपर उठा, बोला सूरज। अब भैया सीधी सी बात है, वचन बोलने का टाइम था। सूरज उस स्थान पर, चंद्रमा उस स्थान पर, रुक जाओ। सूरज? हाँ जी, सूरज मतलब यीशु मसीह। नबी ने यही बोला है, सूरज यीशु मसीह का प्रतीक है भाई, है? सूरज मतलब यीशु मसीह वही। और अगर यीशु मसीह है तो कौन सी दुष्ट आत्मा खड़ी होगी बताओ? है? हमें थोड़ा सा प्रकाश चाहिए, हमें थोड़ा सा प्रकाशन चाहिए, और जब तक सूरज मतलब वचन खड़ा रहेगा, कोई दुष्ट आत्मा रुक नहीं पाएगी। सूरज वहां, कलेसिया मतलब चांद वहां। आमीन। समझ रहे? आमीन। कलेसिया वहां, सूरज यहां। आमीन। आत्मा मतलब दूल्हा, आत्मा दुल्हन दोनों कहती है, प्रकाश विभाग पास क्षेत्र। आमीन। समझ रहे? वहां खड़ी हुई है। और अगर वो वहां खड़ी है दोनों, सूरज भी है चांद भी है, तो फिर किसकी बारी है जो अब रुकेगा? ये पुत्रों का इस्तेमाल करने का समय है। और अगर ऐसा है तो क्लैरी वहां होने दो सिस्टर हैटी राइट, तुम्हारे बच्चों का, क्योंकि प्रॉफेट विलियम ब्रैनम प्रॉमिस लैंड का प्रमाण था। आमीन। और आप वास्तविकता है। आमीन। आप वो प्रमाण था कि वहां होगा क्या क्या, एविडेंस था। और आप एक वास्तविकता है जो ये करने जा रहे हैं। आमीन। याद रखिएगा, जब उनके बच्चे वहां पहुंच गए, जब सारे इसराइल, तो जो लास्ट में पैदा हुआ इसराइल है, 2050 में पैदा होगा, जो वो भी इसराइल के वही फलों को खाएगा जो उनके पूर्वज खा चुके हैं। हैं? हमारे यहां आखिरी बच्चा जिसका नाम जगत की उत्पत्ति से पहले लिखा हुआ है, वो भी वैसा ही होगा जैसे पहली वाली कलीसिया के थे। हम उसी चीजों पर विश्राम कर रहे हैं, उसी का आनंद उठा रहे हैं। आमीन। हमें थोड़ा सा प्रकाशन चाहिए प्रभु, वहां सूरज को होने दें, और हर एक फिलिस्ती आपके सामने से भागेगा। मुझे 10 ऐसे लोग दे दो जिनके पीछे पीछे जमाना भागेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हम एक बंद करने पर हूं भाई बहनों, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, अब इस कलीसिया तक पहुंचने के लिए जो ये वाली है, आपको कुछ आवश्यकताएं देखनी है। आमीन। दो बज रहा है, सवा दो हो रहा है, 5 मिनट और बस। ये लीजिए, मैंने वचन भी बंद कर दिया, ये रहा। आमीन। इसकी 5 चीजें और दिखा देता हूं आपको, ताकि आप उस चीज को देख सको। इसकी 5 चीजों पर ध्यान दें। अच्छा लग रहा है? हाँ, कोशिश तो यही की जा रही है आपको अच्छा लगे। मुझे कभी कभी शक होता है ना इस मामले में, अच्छा केवल परमेश्वर के बच्चों को लगता है। और हर भीड़ में 2 प्रकार के 3 प्रकार के लोग होते हैं, जिन्हें नहीं अच्छा लगता उन्हें भी मैं जान जाता हूं। हाँ जी, देखें, परमेश्वर की सेवा बगैर उसकी मर्जी के करना, इसमें नबी ने कुछ बोला है, ध्यान दें। परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने के लिए, परमेश्वर के लिए किसी भी काम को सुचारू रूप से करने के लिए, परमेश्वर की सेवा भली भांति सही प्रकार से करने के लिए 5 अनिवार्यताएं हैं, समझे? इसमें कोई मतलब नहीं कि वे इसे करने में, परमेश्वर की सेवा करने में कितने ज्यादा सत्यनिष्ठी क्यों ना हो, ये 5 अनिवार्यताएं जिनका पूरा किया जाना आवश्यक है, उनमें होना जरूरी है। आप खुदा की कितनी सेवा कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है। आप खुदा के लिए आगे क्यों ना रख लें सर पे, इससे भी मतलब नहीं है। ये वो सिक्योरिटी नहीं है जो परमेश्वर ने आपसे मांगी है। याद रखिएगा, कितना अच्छा प्रचार करना आपको आता है, ये खुदा की अनिवार्यता नहीं है। ध्यान दें खुदा क्या कह रहा है। पहला उसे करने का अवश्य ही, यह परमेश्वर का एक समय होना चाहिए, यह अवश्य परमेश्वर के समय में होनी चाहिए। हैं?
आपके समय में ये नहीं होगी, आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या कहना है क्या नहीं, ना परमेश्वर का समय नियुक्त है और उसी समय में ये होना चाहिए। नंबर दो, यह अवश्य परमेश्वर के मौसम अर्थात ऋतु में होना चाहिए, हर समय नहीं परमेश्वर लिए घूम रहा है मामला। तीसरी, यह परमेश्वर को उस वचन के अनुसार होनी चाहिए जो बोला जा चुका है, पीछे वही प्रकटक होगा जो बोला गया है। हाँ, याद रखिएगा, जैसे मूसा, मैं हमेशा बताता हूं, मूसा खुदा का और नबी का रिश्ता देखना है तो मूसा और हारून का रिश्ता देखो। मैंने तुझे उसका नबी और तेरे लिए उसको परमेश्वर ठहरा दिया, ठीक है, तू उसका परमेश्वर है, वो तेरा नबी है। अब परमेश्वर कैसा है ये देख लो। मूसा हकला था, बोल नहीं पाता था और साफ आवाज में बात नहीं करता था। खुदा जब बोलता है तो कोई समझता है क्या? हारून कौन था? उसका सगा भाई था, तो भाई भाई की तो समझ लेगा। तो जो खुदा का भाई है, मित्र है, वो तो खुदा को समझ लेगा। लोगों ने नहीं कहा हमसे मूसा बात करे, खुदा नहीं, हमारे पल्ले नहीं पड़ती खुदा क्या कहता है, हैं? खुदा साफ साफ कह रहा है औरत प्रचार ना करे, किसी के पल्ले पड़ी? साफ साफ कह रहा है स्त्रियों जो गहने वहने बाल बाल कटाना सब बेकार की बातें, किसी के पल्ले पड़ी है? हारून के पल्ले पड़ी या किसी के पल्ले पड़ी? केवल नबी के पल्ले पड़ी। आमेन। मूसा आए जोश में फिरौन के पास, मेरे लोगों को जाने देने तो खून बना दूंगा सारी नदियों को, फिरौन के पल्ले ही ना पड़ी। क्या कह रहा है यार ये, क्या है? हारून आ गया है, तुम हटो आओ। ये कह रहा है मेरे लोगों को जाने देने या खून बना दूंगा, ये साफ साफ आवाज। हाँ, तू बात कर। खुदा की पल्ले नहीं पड़ती किसी की, क्या कह रहा है? इसलिए खुदा ने एक तरीका अपनाया कि नबी चुनेगा, वो साफ साफ आपसे बात करेगा, वो आपका ही आदमी होता है। समझ में आ गई? हाँ, ऐसा है मामला। अब हारून को लग जाए रोटियां, है ना, हारून का दिमाग खराब हो जाए, अरे हम भी तो यार नबी हैं, हम भी तो कुछ कहेंगे। जोश आ गया हारून को, क्या कहा है खुदा ने, क्या कहा है? खुदा बात करता था आप मूसा से, मेरे लोगों को जाने दें, इनसे कहते नहीं, मेढक ला रहा हूं, मेढक। हारून आए, क्या कहा मूसा? वो कह रहा है कि मेरे लोगों को कल तक जाने दे, नहीं मेढक ले आऊंगा। ये कह रहा है। हाँ, फिरौन, खुदा यूं फरमाता है ना, तेरे घर में मेढक आ रहा है कल, और तेरे घर में ना तेरे बिस्तर पे इतने इतने बड़े आ रहे हैं, सोच ले तो कितना पूरा होगा। केवल मेढक आ रहे हैं, क्योंकि जो खुदा ने कहा केवल वो पूरा होगा। नबी ने अपनी अपनी आवाज में क्या कह दिया ये मतलब नहीं है, खुदा नबी की भी उतनी सुनेगा जितनी वो बोल रहा है, तो आपको भी उतना ही पालन करना चाहिए तो खुदा ने कहा है। तो मेढक तो आ रहा है लेकिन इतने इतने बड़े नहीं, ये तो हारून ने अपने आप लगा दी। इसलिए जब आप संदेश प्रचार करने जाए तो जोश में इतने ना जाए कि आप क्या बोल गए आपको नहीं पता, क्योंकि केवल वो पूरा होगा जो खुदा ने कहा है। इसलिए दस सदाब लॉर्ड, सेम से सेम टेप्स एंड सेम से सेम बुक्स, इसके अलावा कुछ आपने कहा तो ये आपने कहा है, इसके लिए खुदा जिम्मेदार ठहराएगा। और कहीं भी जाकर यहोवा यूं फरमाता है ये ऐसा ना कह दे जब तक खुदा वाकई आपसे स्पष्ट रूप से ना बात कर ले। केवल जो खुदा ने कहा है वो बोलिएगा, कहीं जोश में आके आप कहेगा सिस्टर आप मां बनने वाली हैं अगले साल, यहोवा यूं कहता है, अब खुदा ने कहा तो वो बनेगी, और नहीं कहा है तो अभी 50 साल और इंतजार करो, कुछ नहीं होगा क्योंकि ये तुमने कहा है। और आप आपका जोश यूं फरमाता हो जाएगा, ये आपका जोश यूं फरमाता है, या आपका उत्साह आपका उतावलापन यूं फरमाता है हो जाएगा, यहोवा यूं फरमाता नहीं होगा ये। आमेन। खुदा केवल उसे पूरा करेगा जो उसने कहा है। आमेन। समझते जा रहे हैं? इसलिए जोड़गांठ करना नहीं है मैसेज में, जैसा आ रहा है वैसे तो पढ़ रहा हूं आपके सामने, कोई जोड़गांठ है? बस ये थोड़ा सा सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूं, हम इंसान हैं ऐसी समझते हैं उदाहरणों में। हाँ, ध्यान दें। तीसरा, यह परमेश्वर को उस वचन के अनुसार होना चाहिए जो बोला जा चुका है, यह उस व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए, व्यक्तियों नहीं याद रखना, यह उस व्यक्ति के अनुसार होना चाहिए जिसे परमेश्वर ने इसे करने के लिए चुना है, परंतु इसे तो उसी एक के द्वारा ही होना चाहिए जिसे उसे करने के लिए चुना हुआ होता है। यह सबसे पहले उसके भविष्यताओं के पास आना चाहिए, परमेश्वर का वचन तो अवश्य उसके भविष्यताओं के पास ही आना चाहिए। Amos 3:7, यहोवा परमेश्वर तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक अपने मन को अपने दास भविष्यताओं पर प्रकट नहीं कर दे। यह चौथी अनिवार्यता है। पांचवी,
और भविष्यवक्ता को अवश्य ही परमेश्वर के वचन के द्वारा ही प्रमाणित हुआ होना चाहिए। यही आपकी पांच अनिवार्यताएं हैं, इसी प्रकार से इसे होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ये लीजिए साहब, ठीक, छोटे छोटे कोड हैं, जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगा, भूख लगने लगी है ना, फिर कहां मिलूंगा भाइयों, कल घर पे होऊंगा इतने समय। हाँ, ध्यान दे भाई बहनों, इससे पहले कि यीशु दिखाई दे, तीन बातें होती हैं, एक ललकार, शब और तुरई का फूका जाना। अब ललकार देखिए, यीशु ही उन तीनों को करता है, पकड़िए इसे, तीनों को कौन करता है, यीशु ही तीनों को करता है। जब वह नीचे उतर कर होता है, जब वह नीचे उतर रहा होता है, एक ललकार होती है, यह ललकार क्या होती है, यह एक संदेश होता है जो आगे आगे चल रहा होता है। 1933 में क्या कहा था उसने, तेरा संदेश मसीह के आगमन के आगे आगे चलेगा। यह वह जीवन की रोटी होता है जो दुल्हन को बाहर निकाल रहा होता है। जब वह आसमान से नीचे आना शुरू करता है तो जो सबसे पहला काम होता है वह ललकार का होना है। ये क्या है, ये एक संदेश है जो लोगों को एक साथ जमा करता है। सबसे पहले संदेश आगे आता है, अब चिराग दानों को दुरुस्त करने का समय है, उठो अपने चिराग दानों को दुरुस्त कर लो। वह कौन सी घड़ी थी, सातवीं, छठवीं नहीं, सातवीं घड़ी थी। देखो दूल्हा आता है, उठो और अपने अपने चिराग दानों को दुरुस्त कर लो। उन्होंने ऐसा ही किया, उनमें से कुछ ने पाया कि उनके चिराग दानों में कोई तेल नहीं है, समझे, परंतु ये तो मसालों को दुरुस्त करने का समय, ये मलाकी चार का समय है, समझे, ये प्रकाशित वाक्य, सॉरी, ये मलाकी चार का समय है, प्रकाशित वाक्य 10:7 का, या लूका 17 का समय है, संदेश का नाम स्वर्ग पर उठाया जाना। आमेन। यीशु ने कहा था, इससे पहले कि दूल्हा का आगमन हो, एक समझदार कुंवारी होगी जिसकी मसाल में तेल होगा, एक मूर्ख नासमझ होगी, और मूर्ख कुंवारियां एक दिन जागेंगी, उन्हें यह मालूम होगा कि उसकी मसाल में कोई तेल नहीं है, जबकि तेल का होना जरूरी है, और यह धूम मची हुई होती है, देखो दूल्हा आता है। ठीक यही तो इस समय की ललकार है, क्यों मैं कर रहा हूं, आमेन। ललकार दुल्हन को जगाती है, जगाने का मतलब पुनरुत्थान नहीं है, याद रखना, आमेन, आमेन। दुल्हन का जागा जाना, जो सब सो गई थी, इनका जागा जाना बेदारी से रिलेटेड है, नहीं तो मूर्ख भी जाग गई थी, याद रखिएगा, वरना वो भी पुनरुत्थान में आ गई है, याद रखना, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, मूर्ख भी जाग गई थी मतलब पुनरुत्थान में आ गई थी, तो इसका मतलब रैप्चर में चली जाएंगी अगर पुनरुत्थान में आ गई। ये पहले पुनरुत्थान में नहीं जागेंगी, ये दूसरे में, इसका मतलब ये जागा जाना एक बेदारी, और बाइबल कहती है 7 गर्जन दुल्हन को जगाएगा, और वो समय होगा ये चेक करने का कौन तेल ले रहा है कौन नहीं। आमेन, मेरे साथ है, आमेन। ठीक यही वह इस समय है, ललकार है, मसीह आ रहा है, और वह जागी हुई, उसने पाया कि उनके पास कोई तेल नहीं था। आमेन। आइए, मैं इसलिए फटाफट कर रहा हूं ताकि हम इसे सही तरीके से समाप्त कर दें। 165, ये रहा, भाई ब्रह्म की सेवकाई को पकड़े, जो उसने कहा था, परंतु ये मेरी सेवकाई है, भाई ब्रह्म कह रहे हैं, मैसेज का नाम है संगीत करने का तौर तरीका, परंतु ये तो मेरी सेवकाई, ये समझे कि मैं उसकी उस घोषणा करूं, वे यहां है, ये ललकार थी, मैं इस बात की घोषणा कर दूं कि वो यहां है, तो वो तो यहां आ गया जब भाई ब्रणमी थे, आप क्या कर रहे हैं यहां बैठे हुए, तेल कहां है, आमेन। मुझे कुछ 10 लोग ऐसे दे दो, मुझे कुछ ऐसा झूठ दे दो, आमेन। नबी ने कहा था, ये बोला गया संदेश है, ये आगे चल रहा है आपके, नबी चला गया, संदेश नहीं मरता, खुदा अपने आदमी को लेता है, अपने आत्मा को नहीं। आमेन। इस समय पवित्र आत्मा की सामर्थ कलेसिया के साथ काम कर रही है, आप फटाफट अपने आप को जगाएं और अपनी कलेसिया के लिए प्रिपेयर हो जाएं। हम कोई चर्च बनाने नहीं आए, हम चर्च खेलने नहीं आए, हम स्वर्ग रोल के लिए आए हैं, हम एक मान झुंड बनने के लिए आए हैं, हम नबी का देखा गया सपना है, हम परमेश्वर की आकांक्षाएं हैं, हम परमेश्वर का बोला गया वचन है जो अपने स्वरूप में आ रहे हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। लीजेस 5 फॉर मिनिस्ट्री, आखिरी कोट पढ़ करके मैं खत्म कर रहा हूं। क्या है ये, क्योंकि भाई का तो टाइटल ही है ये, ओह खुदा का धन्यवाद हो। किसी दिन प्रभु, वे लोग जिन्हें प्रभु के पवित्र आत्मा का नया जन प्राप्त किया है और एक शिक्षक पिता के पास संदेश लाता है, प्रभु ने उन्हें एक और बुलाकर मुलाकात की है। क्या आपसे की है, जब तक आपके दिमाग में ये ना हो जाए कॉन्फ्रेंस विद गॉड, जब तक आपके लिए हो ना जाए, आप एक खामा खा के मसीह हैं, बस अंदर बाहर वाला खेल रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, थोड़ा सा ठेस लग गई, पादरी ने ये कह दिया मैं तो नहीं आऊंगा, ये आपके साथ होता रहेगा भाई। अब मैंने 2 सिगरेट पीना छोड़ दिए, ये आपका ख्याल है,
मैं सिगरेट और बीड़ी और इस मामले में बात ही नहीं कर रहा आपसे। ये वो नहीं है जो आपको रैप्चर में ले जाए। और हाँ, मैंने तो छोड़ दिया, मैं तो अब उपवास भी रखता हूं। ये वो नहीं है जिसके बारे में बात हो रही है। बहुत ही गंभीर मैटर है। खुदा ने आपको मुलाकात करने के लिए बुलाया है भाई, और मुलाकात व्यक्तिगत होगी। कोई भी स्त्री पर्दे के अंदर अपने पति से बात करती है, मुलाकात करती है, याद रखिएगा। और अगर आप सच्ची कलीसिया हैं तो आप ये करेंगे, और ये पांच अनिवार्यताएं आपके साथ घटित होंगी। आमीन, याद रखिएगा। बुला रहा है, मुलाकात की है उसे मसीह की देह में, उसे मसीह की देह में शिक्षक, भविष्यवक्ता, उपदेशक और पास्टर, आमीन, इत्यादि नियुक्त किया गया है। जो कुछ भी हो उसके जन्म के पश्चात से आप आज्ञाकारी रहे हैं। जो कुछ भी हो उसके जन्म के पश्चात से, मसीह जब आप में जन्म ले लेता उसके पश्चात आप आज्ञाकारी रहे हैं, इसलिए ये पुरस्कार मिल रहा है आपको। आमीन। प्रभु ऐसे लोगों को नियुक्त करता है। प्रभु कैसे लोगों को नियुक्त करता है, पढ़ लिया आपने? ऐसे लोगों को नियुक्त करता है। क्या आप इसे समझ पाए? आमीन। संदेश का नाम है उसकी सुनो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का देश है। आमीन। क्या खड़े नहीं होंगे आप? ताली नहीं बजाएंगे? आमीन। ये पवित्र आत्मा का देश है। उठ प्रकाश मानो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ रहा है। मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। भाइयों बहनों, आप आगे बढ़िए, और जो प्रतिज्ञाएं आपको दी गई हैं, जो संदेश आपके सामने रखा गया है, इसे जीने की कोशिश करिए। मिटाइए अपने बीच के सारे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। मैं जानता हूं आपका नुकसान होगा माफी मांगने में, कर लीजिए। जब तक मार्ग में मेल मिलाप कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो खुदा उठा करके जेल खाने में डाले, यानी कि कलेश काल में डाले, और उसके बाद आप रैप्चर में जाने के बजाय कहीं और चले जाएं। भाई बहनों तैयार हो जाएं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि सेवा के लिए सामर्थ उपलब्ध है। हालेलुया। खुदा आपको बहुत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।